एक बात बताइए, ये सब बच्चे को कैसे पढ़ाइएगा आप? बीपीएससी के थ्रू बहाल होंगे नए नए शिक्षक में? सर पहले तो कमजोरी जानेंगे कि क्या बच्चे को आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बता रहे थे सर, बता रहे थे प्रॉफिट और लॉस, है ना? प्रॉफिट मतलब क्या होता है? गणित। प्रॉफिट मतलब गणित होता है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है छोटी? हाँ, बिहार में कुल कितना जिला है? 38। आप कौन से जिला में रहते हैं? बिहार जिला। बिहार जिला में रहते हैं। और राज्य 485 बच्चे को पढ़ाने के लिए 4 टीचर है कुल। साइंस का स्पेलिंग है पता? SIENCE। 8 क्लास में पढ़ते हैं ना? जी। वाह, आप बताइए तो सिस्टर साइंस का स्पेलिंग? SIENCE। आप बताइए। SI। आप बताइए। SI। आप बताइए। SI। केएसटी मतलब कि हाथ पे लिखा हुआ रहना चाहिए। हाँ। और नहीं रहेगा तो कूट देंगे। हाँ। ये है मेन गेट। ये मेन गेट है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि राजकीय मध्य विद्यालय नदरा, और मेन गेट के उधर मेन दरवाजा क्या बोलते हैं कि दीवार लगाया हुआ है। 16 रुपये का मोबाइल है, ठीक है? 8 रुपये में बेच दिया, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ? 8 रुपये लाभ हुआ। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इस आरी पे खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आरी नहीं है, इस आरी से प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ने जाते हैं और अपना जो करियर है बनाने का कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि अभी तो थोड़ा सा धूप है और जो यहाँ पे कीचड़ है वो कम है, लेकिन जब यहाँ पे बारिश होती होगी तो बच्चे कैसे स्कूल के अंदर जाते होंगे, कैसे विद्यालय में पढ़ने जाते होंगे, यहाँ के शिक्षक और यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो कैसे इस विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विद्यालय है गया जिला के खीजरसराय प्रखंड के एक गाँव का है और इस गाँव का नाम है नदरा। और एक बहुत अजूबा चीज़ इसमें यह है, इधर आ जाओ तो हम आपको दिखाते हैं इस विद्यालय का अजूबा चीज़। जब हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए बच्चा लोग यहाँ पे खिड़की पे बैठ करके खेला कर रहा, उधर मैडम पता नहीं क्या कर रही हैं, और इस क्लासरूम में लगता है कि मैडम है भी नहीं। और ये है मेन गेट, ये मेन गेट है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि राजकीय मध्य विद्यालय नदरा, और मेन गेट के उधर मेन दरवाजा क्या बोलते हैं कि दीवार लगाया हुआ है। अब मेन गेट के इधर दीवार कौन इंजीनियर पास किया है, कौन साहब पास किए हैं जो हमारे समझ से परे हैं, इधर आइएगा। और इधर है छोटा सा क्या बोलते हैं कि गैप है, खोली है खिड़की है, उधर से ही बच्चे आते जाते हैं। और इधर भी मतलब कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खेत है, और उस चारों तरफ खेत के बीच में एक विद्यालय बना हुआ है, और इधर एक चापाकल है, और इस चापाकल से बच्चे लोग अभी पानी पी रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। क्या वो सर आए हैं पढ़ा दे? 3 गो सर। 3 गो सर जी। और मैडम? 3 गो। 3 गो सर और 3 गो मैडम, 6 टीचर जी। 6 टीचर आए हैं यहाँ पे, और 1 से 8 तक के यहाँ पे क्लासेस चलता है, और पेंट हो गया है, चकाचक है विद्यालय। इधर पुराना वाला भवन है, तो पुराना वाला भवन में कुछ नहीं होता है। और ये देखिए राजकीय मध्य विद्यालय नदरा, पहले ये गेट उस तरफ था, अब ये गेट इस तरफ हो गया है। और अभी जब हम वहाँ पे प्रधानाध्यापक है सर, नमस्कार, यहाँ पे अभी जब हम लोग सड़क से क्रॉस कर रहे थे तो मैडम यहाँ पे बैठ करके कुर्सी तोड़ रही थी। इस क्लासरूम में कोई नहीं है? हैं बच्चे हैं जो गांव के आम नामांकित बच्चे हैं, और अभी इनकी उम्र नहीं हुआ है नामांकन लायक, इसीलिए इन लोग को थोड़ा गांव से चले आते हैं, तो हम लोग इधर उधर नहीं जा रहे। नहीं ठीक है, तो इसको पढ़ाने के लिए कोई होना चाहिए ना क्लास? तो हम लोग यहाँ पे टीचर कितने हैं? यहाँ टीचर 4 हैं। क्यों 4 में कोई बीपीएससी वाले भी आए यहाँ पे? अभी तक तो नहीं आए हैं। 4 में महिला कितना है यहाँ पे? महिला 2 है। 2 महिला टीचर हैं और 2 जेंट्स टीचर। टोला सेवक भी हैं? नहीं। टोला सेवक नहीं है? नहीं। तालमी मरकज? तालमी मरकज भी नहीं। तालमी मरकज भी नहीं। कौन से क्लास तक के बच्चों का यहाँ पे पढ़ाई होता है? 1 से 8 तक। पहला से आठवां तक? पहला से आठवां तक। बच्चे कितने हैं सर? बच्चे 482 नामांकित हैं। हाँ, 400 बच्चे पे सिर्फ 4 टीचर हैं? जी जी। तो पढ़ाते कैसे होंगे इतना सारे बच्चे? यही तो मेंटेन हम लोग करते हैं, 2-2 क्लास को संयुक्त लेकर के काम करते हैं। आज कितने टीचर आए? आज 4 टीचर। सभी लोग आए हैं? सभी लोग। उधर बड़े क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, इधर छोटे क्लास के? जी।
उधर 8, 5, 6, 7 क्लास के बच्चे पढ़े तो वहाँ 7, 8 है, हाँ। वो 3, 4 है, हाँ। 1, 2 यहाँ है, हाँ। और 5, 6 वहाँ है। अच्छा 5, 6 उधर है, उधर 7, 8 है, मतलब कि बड़े बड़े क्लास के बच्चे इधर पढ़ते हैं। और सर जैसा कि बताया कि 400 बच्चा है और 400 बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 टीचर है ना सर, 400 से भी अभी नामांकन है, 482 मतलब कि 500 बच्चे को पढ़ाने के लिए 400 शिक्षक हैं। आप सोचिए कि जो औसतन आंकड़ा कहता है कि 35 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, और इस विद्यालय में सारा का सारा जो आंकड़ा है, सारा का सारा जो सिस्टम है, वो फेल होता दिखता है। 485 बच्चे को पढ़ाने के लिए 4 टीचर है कुल, और कैसे सभी बच्चों को यहाँ पे मेंटेन किया जाता होगा, कैसे सभी बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंदर आ जाए सर, थैंक यू। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? 7, 8 मर्ज करके पढ़ा रहे हैं ना, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास में। बैठ जाइए। कहाँ से आते हैं पढ़ने छोटू? नादरस में। सब कोई इसी गांव के रहने वाले हैं या फिर कहीं बाहर के भी रहने वाले हैं? यही के रहने वाले। सब यहीं के हैं, अगल बगल के हैं ना? कहाँ घर है तुम्हारा? नादरा। अच्छा अभी आप लोग को सर बता रहे हैं क्या, लाभानी? जी सर। लाभानी बता रहे हैं जी। 16 रुपया का मोबाइल है, ठीक है, 8 रुपये में बेच दिया, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ? 8 रुपया लाभ हुआ। 8 रुपया लाभ हुआ जी सर। हानि कितना हुआ? हानि 16 रुपये। पहले समझ लो, 16 रुपया का मोबाइल है, 16 रुपया का मोबाइल है, 8 रुपये में बेच दिया, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ? 8 रुपया लाभ हुआ। अच्छा ठीक है, ताली बजाइए इसके लिए, 8 रुपया हानि हो गया। कहाँ से आते हैं पढ़ने? नदरा से। नदरा से आते हैं पढ़ने, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8वां में। 8वां क्लास में पढ़ते हैं, क्या सर पढ़ा रहे थे? वो वाला कौन वाला? 8 क्लास का प्रॉफिट लॉस मैथ पढ़ा रहे। प्रॉफिट लॉस जी। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। और लॉस माने? हानि। 12 रुपये का मोबाइल 7 रुपये में बेच दिए, कितना रुपया लाभ हुआ कितना रुपया हानि हुआ? 12 रुपये का मोबाइल और 7 रुपये के बेच दिए कितना लाभ हुआ? 5 रुपये। 5 रुपये लाभ होगा? हानि होगा। 8 क्लास में पढ़ते हैं ना। और देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पापा क्या करते हैं आपके? काम करते हैं इसी ढलैया में। अच्छा मिस्त्री वाला काम करते हैं। अच्छछा आप कहाँ से आते हैं पढ़ने छोटू? नदरा से। ड्रेस कहाँ है आपका, नहीं मिला है? नहीं है, फीच दिए थे। फीच दिए? आज मंडे है यार, कल फीच आता है, आप आज फीच दिए? मतलब थी आज, मतलब ऊपर छोड़ दिए थे इसीलिए भीन गया था। ड्रेस पहन करके आना है, के पाठक का सख्त आदेश है ना सर? पाठक जी बोल दिए हैं कि सभी बच्चों को ड्रेस पहनना है और 50% से ज़्यादा बच्चे को पढ़ने आना है। कितना बच्चा प्रेजेंट हो पाता है? 315-16 मतलब कि प्रेजेंटेशन है जो ठीक ठाक है। कहाँ से आती हैं सिस्टर पढ़ने? नादरा से। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 8 में। एट क्लास में पढ़ती हैं, क्या सर पढ़ा रहे थे? गणित। गणित, गणित को मैथ में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैथ। मैथ, मैथ अभी आप पढ़ रहे थे, सर बता रहे थे प्रॉफिट और लॉस है ना जी। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? गणित। प्रॉफिट मतलब गणित होता है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है छोटी? हानि। प्रॉफिट मतलब हानि होता है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? हानि। हानि होता है। लॉस मतलब क्या होता है? लाभ। लॉस मतलब लाभ। वाह, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास में। 7 क्लास में पढ़ते हैं। बिहार में कुल कितना जिला है? 38। आप कौन से जिला में रहते हैं? बिहार जिला में। बिहार जिला में रहते हैं। और राज? 28 राज्य। 28 राज्य, कौन से राज्य में रहते हैं आप? बिहार राज्य में। और जिला भी बिहार? नहीं। कौन सा जिला में रहते हैं सिस्टर? गया जिला में रहते हैं। तो अपने सहेली को नहीं बताते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? पापा काम करते हैं। क्या नाम है पापा के? पप्पू यादव। 6 क्लास कौन में पढ़ते हैं? 7। के गो टीचर यहाँ पे हैं टोटल सब मिला के? 5 सर हैं सब मिला के? सर नहीं, 2-3 गो सर हैं और 6 गो हैं, 3 गो सर हैं और 3 गो मैडम। हेड सर का आपका क्या नाम है? आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य का क्या नाम है? सुरेश नाम है जी। सुरेश सर प्रधानाध्यापक हैं, क्या नाम है सर आपका?
पुकारो नाम वही है लेकिन मेरा नाम है सनीत कुमार सिंह। सनीत? हाँ सनीत, सनीत कुमार सिंह है। आप कहाँ से आती हैं सिस्टर पढ़ने? नदरस। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? सेवन। विज्ञान का बुक यहाँ पे रखा हुआ है यानी कि साइंस। साइंस का स्पेलिंग, साइंस का स्पेलिंग बताइए तो। साइंस का स्पेलिंग एस सी आई ई एन सी ई। वाह वेरी गुड। कौन से आपके मम पढ़ते हैं? सेवन क्लास। अच्छा इधर सब सेवन वाला है। एट क्लास में कौन कौन पढ़ते हैं इधर हाथ उठाइएगा। अच्छा तीन दो पाँच एक छः बच्चे सेवन क्लास में पढ़ते हैं। एट क्लास में पढ़ते हैं आप यहीं से आते हैं पढ़ने? खड़े हो जाइए। नदरा से। खड़े हो जाइए। हाँ इंग्लिश पढ़ते हैं जी। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन आता है देने अपना? नहीं आता है। इंग्लिश के टीचर कौन है सर यहाँ? यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई टीचर नहीं इंग्लिश के? कोई नहीं है। हम लोग 1 से 5 का बहाल हुए हैं। हाँ और उसके बाद उत्क्रमित हुआ है। अच्छा 1 से 5 तक के शिक्षक हैं लेकिन पढ़ाते हैं 8वां तक के बच्चे को? 8वां तक। डीओ साहब को कभी बोले हैं शिक्षक बहाल करने के लिए? बराबर तो हम लोग देते हैं लिख कर करके। आप लोग कहाँ कौन से क्लास के हैं बच्चे? 8 क्लास। खड़े हुए तो खड़ा। हाँ ठीक है 8 क्लास में पढ़ती हैं ना जी। सर क्या पढ़ा रहे थे अभी? मैथ। इसके पहले? इसके पहले, इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था? लव या हनी। अरे वो तो मैथ में पढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाया जा रहा था? सब्जेक्ट। इसके पहले कौन सा पीरियड था सर? साइंस। साइंस पढ़ाया जा रहा था जी। अच्छा साइंस मतलब कि विज्ञान। साइंस का स्पेलिंग है पता? एस आई एस ई एन। 8 क्लास में पढ़ते हैं ना जी। वाह आप बताइए तो सिस्टर साइंस का स्पेलिंग? एस आई एस आई एन। आप बताइए? एस आई। आप बताइए? एस आई। आप बताइए? एस आई एस आई एन सी। वाह एक बच्ची सिर्फ साइंस का स्पेलिंग सही बताई थी, आगे वाली गुड़िया थी जो बताई थी साइंस का स्पेलिंग लिख दिया, सब याद कर लेगा ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है अस्टेव अभी आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखे, यहाँ पे मैथ लिखिए गणित लिखिए जो भी है और उसके बाद बच्चे को क्लास रेगुलर कीजिए। आप कहाँ से आते हैं सर पढ़ाने? हम आते हैं नदर से हैं। अच्छा यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। कब से पोस्टिंग है यहाँ पे? 2005 से है। 2005 से 2023 हो गया मतलब कि इधर भी क्लासरूम है। इधर कौन सा क्लासरूम है सर? 3-4। इधर आइए गौतम ये 3-4। अच्छा अंदर आइए मैडम थैंक यू। ये कौन सा क्लास है? बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ये देखिए बिहार का शिक्षा व्यवस्था है। 3-4 क्लास के बच्चे हैं, आधा बच्चा बेंच पे है, आधा बच्चा इस तरफ बेंच पे है और जो 40-50% बच्चा है जो कि ज़मीन पे है। कहाँ से आते हैं बाबू पढ़ने? नातराते। कहाँ से? हमाराते। कहाँ से? नादराते। नादरा से। हाँ तो कभी नादरा बोलता कभी हमारा बोलता है। नहीं। पापा का नाम क्या है? रोहित पितार। रोहित। हाँ। तुम्हारा? अमित कुमार। अमित कुमार। हाँ। मेरा भी नाम अमित कुमार है। हाँ सही में के मम पढ़ते हैं? चौथा में। चौथा में एबीसीडी आता है? हाँ। एबीसीडी में के गो अक्षर हो भाई? 26 गो। एबीसीडी पढ़िए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हाँ ठीक है। 4 और 3 क्लास के बच्चे हैं ना मैडम। कहाँ से आते हैं पढ़ने बाबू? नदरा से। ये सब ऐसे कवड़ल का है उधर हम अभी हम गिर जाते उस वाले क्लास में। अभी मतलब कि कैसे पढ़ते होंगे इस पे? कहाँ से? नदरा से आती हैं? क्या मैम पढ़ती हैं? तीसरा में। मैडम क्या पढ़ा रही थी अभी? हाँ हाँ बड़ा हाँ खड़ा। मैडम क्या पढ़ा रही थी? इकाई दहाई। 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 2 अंक के सबसे बड़ा संख्या कौन बताएगा पूरा क्लासरूम में? हैं तुम? वाह खड़ी हो जाओ। क्या होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 99। और 3 अंक के? 3 अंक के। हाँ 999। 999। 3 अंक के 999। 4 अंक के? 4 अंक के। 2 अंक के सबसे छोटा संख्या? 2 अंक के सबसे छोटा संख्या 10। 10 बस बैठ जाइए आप। ये सब 4th-5th क्लास के बाद। अच्छा सर बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, है ना? अब ये सब बच्चे जो हैं यहीं के हैं, बिहार के हैं, अपने राज्य के हैं है? कि 25 जोड़ा बेंच आया हुआ है परियोजना से। हाँ। तो वो
आठ दस दिन में मिल जाएगा। आठ दस दिन में मिल जाएगा। आप कहाँ से आती हैं मैडम पढ़ाने? सर हम लोग को ट्रेनिंग पीरियड अभी। अच्छा, न्यूली आती है, ज्वाइनिंग में है? अभी दो दिन हुआ है। बीपीएससी के थ्रू आए हैं? अभी ट्रेनिंग है सर, ज्वाइनिंग नहीं है। अरे हाँ, ट्रेनिंग है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, सब बच्चे को कैसे पढ़ाइएगा आप? बीपीएससी के थ्रू बहाल होंगे नए नए शिक्षक में? सर पहले तो कमजोरी जानेंगे कि क्या बच्चों को आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में जैसे बेसिक पहले उसको क्या समझाना है, हम कैसे उसको एक के बाद एक स्टेज से दूसरा स्टेज तक ले जा सकते हैं, तो उस तरह से हम पहले जानेंगे उसके बाद ही पढ़ा सकते हैं। अच्छा कमजोरी क्या है बच्चों में? बच्चों में बहुत तरह का है कमजोरी, जैसे कुछ बच्चे बहुत कुछ जानते हैं तो कुछ बच्चे कुछ नहीं जानते। जैसे कि एक बच्चा सिर्फ जानता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हाँ बेशक, आज असेंडिंग, हाँ बुक से देखें तो बुक में से जैसे फिगर के थ्रू बताया है, तो पहले बेसिक बच्चा जानेगा तब ना बताएंगे। सही बात है, मतलब कि बुक में भी एकदम अच्छे से बताना चाहिए था लेकिन डायरेक्ट फिगर पर, फिगर पे आ गया, वहाँ इकाई था ये सैकड़ा लिख दिया, तो बच्चा समझेगा तब ना फिर वो। बच्चा समझेंगे ऐसे, ऐसे ऐसे शिक्षक को बहाल करना चाहिए था 2005 में 2006 में, तो घड़ी सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ वाला टीचर से बहाल कर दिए। और अब जो लोग आए हैं, मैडम लोग आए हैं, सर लोग आए हैं, लाखों शिक्षक बहाल हुए बीपीएससी के थ्रू पूरे बिहार में। आपके और जो कलीग्स थे मैडम, आपके जो बैचमेट्स थे, उनका भी हुआ है दो चार पाँच लोगों का? हम लोग के डायट गए से लगभग 55 बच्चों का हुआ है, तो अच्छा, अलग अलग जगह हैं। अच्छा सर, आप गया जिला में? हाँ बहुत सारे गया जिला में हैं, तो आप रहने वाले कहाँ के? यही बगल के गांव के ही है, तेतरिया। अच्छा यही गया जिला के ही रहने वाले हैं, तब तो बल्ले बल्ले कि गया के रहने वाले हैं। ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट मिल गया है तो अच्छी बात है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो अच्छी बात है। और नए पढ़िएगा तो ये भी है, ठीक है, अब पढ़ना है मन लगा करके, तब आप लोग भी मैडम के जैसा शिक्षक बन पाइएगा। और इधर कौन सा क्लास है सर? ये बंद है, इधर नहीं है। ये क्या है मीनार? ये क्या है? हैं ये क्या है, विद्यालय में क्या बना है? अच्छा इधर वो स्लाइडर है, इधर से मतलब कि बच्चे लोग ससरते होंगे। और उधर कौन सा क्लास बताते सर? उधर 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 1-2 है। इसमें अभी तक कोई टीचर नहीं आए हैं, हाँ, और उसमें जहाँ जगह है तो इसी में बीच में बैठा दीजिए वहाँ के जैसा, ताकि बच्चे लोग कुछ पढ़ ले। अंदर आ जाए मैडम, अंदर आ जाए, थैंक यू। ये कौन सा क्लास है? पहला। पहला है? क्या मैम पढ़ो बउआ? पहला में। पहला में क्या पढ़ रहे हैं? हैं? अरे क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाओ। क्या मैम पढ़ते हैं? दूसरा में। सब जो बच्चे हैं सब ड्रेस पहन करके आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक वो खाली ड्रेस पहन करके नहीं है, वो मुड़ी झुका रहा है। तू क्या मैम पढ़ता है? दूसरा। खड़ी हो जाओ। ये क्या लिखा है हथवा पे? ओके एस टी है। ये इससे क्या होता है? लगाया है। कि इससे होता क्या है ओके एस टी से? ओके एस टी से सबको लगाता है ना, तो वही में फिर मारता था, फिर ये नहीं दिखाएगा था, मारते रहेगा। अरे तरीके, ओके एस टी मतलब कि हाथ पे लिखा हुआ रहना चाहिए। हाँ। और नहीं रहेगा तो कूट देंगे। हाँ। क्या मां पढ़ता है तू? दूसरा में। तो ओके एस टी खाली पढ़ने आता है कि पढ़ता भी है? पढ़ते हैं भी। कितना तक आता है पहाड़ा? पहाड़ा 13 लाख। अच्छा इकाई दहाई आता है? इकाई दहाई नहीं। इकाई दहाई नहीं आता? किसी को आता है इकाई दहाई? केरो नहीं है, किसी को नहीं। अरे तरीके, आपको आता है छोटी? नहीं आता है आपको बाबू? आपको नहीं। ये 3 अंकों का जोड़ मैडम बता रहे हैं, जोड़ है मतलब कि एडिशन है, जोड़ घटाओ मैडम बता रहे हैं 3 अंकों का। इससे पहले हमारे जानकारी के अनुसार बच्चे को इकाई दहाई आना चाहिए, तब बच्चे समझ पाएंगे कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है। 3 अंकों का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कि 3 अंकों का जोड़ घटाओ मैडम बता रही हैं अभी। मैडम क्या पढ़ा रही? इधर आ जाएगा थोड़ा सा, जोड़ घटाओ पढ़ा रही है ना? हाँ सर, अभी तो जोड़ बताए हैं, सबसे फर्स्ट फिर पहाड़ा बच्चा लोग लिखा है। हाँ, ठीक है। और सेकंड में हिंदी बताए हैं, तो अक्षर को जोड़ करके शब्द बना। अच्छा इकाई दहाई बच्चों को बताए हैं इसके पहले? नहीं सर, हम यहाँ तो नहीं रहते, हम 3-4 में रहते हैं। हाँ। मैडम आज सीएल पर है। अच्छा। तो हमें यहाँ डिटेल। मैडम आए ही नहीं? नहीं सीएल में है। हाँ वही सीएल छुट्टी में है, आकस्मिक अवकाश में जी। हाँ। अच्छा इकाई दहाई पढ़ा दीजिए इसके पहले,
क्या हम पढ़ाए काहे नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ाइएगा? तो ये काई दहाई बच्चा को जैसे कि काई दहाई सैकड़ा, तो वही ना बोल रहा है, तो किसी को बते नहीं है? नहीं तो जैसे कि हम यहाँ तीसरा क्लास में चलिए बच्चा को बताते हैं वहाँ जहाँ हम लेते हैं, वहाँ तो बीपीएससी वाली मैडम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा। हाँ तो पढ़ा वहाँ बकायदे इकाई एक पर एक सुना, इकाई दहाई दो पर दो सुना, ऐसा करके मैडम पढ़ा रही थी वहाँ पे। उधर भी कौन सी कोई क्लास है सर? है 5-6। उधर वहाँ कौन से सर हैं? वहाँ है एक शारीरिक शिक्षक है। अच्छा फिजिकल टीचर। हाँ तो टीचर एक सीएल में है इसीलिए उनको हम। अच्छा शारीरिक टीचर भी क्लास ले रहा है ना? हाँ कभी कभी लेते हैं जब टीचर नहीं रहता तो। कभी कभी लेते हैं जब टीचर नहीं। अच्छा बाउंड्री भी नहीं है पूरा विद्यालय में, कहाँ से कौन आ जाएगा, चोर आ जाएगा, डकैत आ जाएगा, आतंकवादी आ जाएगा? चोरी भी हुआ है, दो बार चोरी भी हुआ। इसमें क्या है? ये आंगनवाड़ी केंद्र का है। और खाना कहाँ बना रहे हैं आप? खाना वहाँ बनता है। बन रहा है? नहीं आज चावल अभी ये महीना में है ये नहीं था। कितना दिन से नहीं बन रहा है? पूरे अक्टूबर में नहीं बना है। अच्छा पूरे अक्टूबर में खाना नहीं बना? नहीं बना, चावल आए भी नहीं किया है। पूरे अक्टूबर में किसी भी दिन खाना नहीं बना? नहीं बना। अरे तरीके चावल। तो ये लोग बच्चे लोग खाना कहाँ खाते होंगे? टिफिन देते हैं, अपने घर चले जाते हैं, फिर खा करके आते हैं। तो मध्यान्ह भोजन के जो भी एमडीएम प्रभारी हैं उनको नहीं बोले आप लोग? हाँ बोले हैं, शुरू से ही बोले हैं, चार दिन पहले से हम बोले हैं, जब चार दिन का मेरे पास चावल था उसी समय से बोलते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे शारीरिक शिक्षक हैं। अंदर आ जाए सर, आप टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे शिक्षक हैं, ठीक है बैठ जाइए। कहाँ से आते हैं सर? पानी तेतरिया से। अच्छा तेतरिया से आते हैं, कौन सा क्लास है ये? इसमें 5 और 6 है, 5 क्लास और 6। आपका यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था आपका? लगभग साल भर हो गया सर। आप ये 5 और 6 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे थे? टेंस बता रहे थे। अच्छा टेंस बता रहे थे। इधर आइए गौतम जी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं बाबू? पंचवा क्लास। 5 में पढ़ते हैं। सर क्या पढ़ा रहे थे? टेंस काल है। यस देखें किताब। अच्छा कॉपी सर है? कॉपी नहीं है आपका? यस सर। तो खोल कर नहीं रहे हैं? सर अरे हाँ ठीक है, हम देख लेंगे क्या पढ़ रहे थे आप। हाँ ठीक है, ये तो ट्यूशन वाला कॉपी है। नहीं सर यहाँ जचा है। हाँ हाँ ठीक है यहाँ जचा है। ये क्या लिखे हैं? ट्रांसलेशन। बह जाती है, बह जाती है का ट्रांसलेशन क्या होगा? टेंस सर बता रहे हैं आप लोगों को। अभी सर ने लिखा है याद करने के लिए, तब ना बनाएगी। अच्छा इसको याद भी करना होता है? टेंस याद करेगा तब। टेंस नहीं है, बाग के यहाँ पे दिया हुआ है। बाग एग्जांपल में लिखा था ना। हाँ जैसे टेंस हम बताएंगे तो कौन टेंस के बाक है। हाँ। उसको जानकारी होगा तब ना बनाने की बनाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। कितने प्रकार का टेंस होता है छोटी? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? प्रेजेंट। हाँ। पास्ट। हाँ। फ्यूचर टेंस। हिंदी तीनों का? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल और भविष्यकाल। अच्छा सर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, भूतकाल है, भविष्यकाल है कि वर्तमान काल है? सर क्लास में पढ़ा रहे हैं भविष्यकाल है। सर क्लास में पढ़ाने आएंगे, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। उल्टी बता दिया, उल्टी बताई ना सर जी। सर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं मतलब प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, और पढ़ाने आएंगे वो हम भविष्य की बात कर रहे हैं जी। कौन में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। बैठ जाइए आप। सर पढ़ा रहे थे टेंस पढ़ा रहे थे ना, है सर? फिजिकल टीचर हैं आप सर बता रहे थे? शारीरिक शिक्षक है। हम लोग के सब्जेक्ट नहीं लेना, लेकिन टीचर का मजबूरी है, मजबूरी है कि क्लास ले रहे हैं। हम लोग का वेतन भी थोड़ा कम है, हम लोग के ज्वाइन हुआ था कि 1-2 घंटा 85-86 मिलता है ना सर? 1-2 घंटा रहना, बताइए टीचर के अभाव में क्लास लेते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। सही बात है, आपको आता है तो इस सौभाग्य है कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। पिकॉक मैंने क्या होता है? पिकॉक मतलब क्या होता है? मोर। पिकॉक का स्पेलिंग? POCK. आप बताइए। पिकॉक के POCK. आप पिकॉक का स्पेलिंग POCK. आप POCK.
चार अंक में पिकॉक बता दे रहे हैं आप लोग, कहाँ मतलब कहाँ जा रहा है भाई, आप बताइए छोटी। PICO सिक्के। अच्छा आप? PEACO सिक्के। ताली बजाइए इनके लिए, ये सही बताए आप लोग। अच्छा ठीक है, आपको कौन बताया है पिकॉक का स्पेलिंग? सर जी ने बताया। तो ये सब भी साथी बैठती है? यस। तो ये सब के ध्यान रहता सहेली ही, ये पढ़ा रहे हैं सर इधर टेंस और उधर ध्यान है कि कब खाना बनेगा कब छुट्टी होगा। आपको पता है एलिफेंट का स्पेलिंग? ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी। एलिफेंट मीन्स हाथी। आप जी, क्रो मतलब क्या होता है? क्रो मने क्रो का स्पेलिंग CROW। अमित चौरसिया आपके स्कूल में रिपोर्टिंग कर रहा है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट, बीत गया, हम चल गए, अभी हम स्कूले में हैं। हम प्रेजेंट में ना बाबू, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, एग्जाम्पल दे करके बताइएगा ना सर, तो बचपन लोग ज़्यादा समझेगा, और सिर्फ लिखवा दीजिएगा तो नहीं समझ पाएगा। तो सर अभी बता रहे थे टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, तो ये सब टेंस को बताने से ज़्यादा जरूरी है समझाने के लिए, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए तो सब बच्चा समझ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक नहीं समझाया जाएगा किसी भी चीज़ को तो बच्चे लोग थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश के हैं तो समझ नहीं पाएंगे, है ना। हालांकि आपका ये काम नहीं है, आप फिजिकल टीचर हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, तो शारीरिक शिक्षक का काम होता है कि बच्चे को कैसे क्या बोलते हैं कि एक्टिविटी करवाया जाए, कैसे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी करवाया जाए, ये सब करवाना होता है। लेकिन अभाव है शिक्षकों का, सर भी बता रहे हैं कि 500 टीचर मतलब कि 500 स्टूडेंट पे कुलम 4 टीचर है। अब सोचिए कैसे बच्चे लोग को संभालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब तमाम जो क्या बोलते हैं कि कमियाँ हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है। BPSC के थ्रू शिक्षकों की बहाली हुई है और एक टीचर ट्रेनिंग में यहाँ पर आए भी हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे, देखे भी हम। बाकी बिहार के एजुकेशन सिस्टम के प्रति आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।